स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो सेड हमारा सेड ही रहता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई शब्द हो जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा शब्द हो जो संबोधन का काम करता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं बल्कि हम उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से बनाते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे एड्रेसिंग से? देखें, आज का हमारा यह पार्ट नंबर 10 है। नरेशन का यह हमारा 10वां भाग है आज का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, जैसे यह रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ, द स्टूडेंट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन का शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पर माई सन दिया है, यह हमारा जो है संबोधन का शब्द है, तो इनडायरेक्ट हम एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस संबोधन का शब्द प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस दैट प्लस जो हमारा आगे पर्सन होगा टेंस होगा वहां से हम बनाएंगे। देखें, द टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्र से कहा माई सन मेरे पुत्र। तो इसमें एड्रेसिंग का शब्द क्या है? माई सन। एड्रेसिंग का क्या होता है? किसी को उसके नाम के अतिरिक्त कोई एक और भी नाम होता है, उस नाम से संबोधन जो है उसको संबोधित करना। जैसे कोई खड़ा है, वह रेड शर्ट पहना हुआ है, आप उसका नेम नहीं जान रहे हैं तो आप बोलेंगे ओए रेड शर्ट वाले, ओए रेड शर्ट वाले, तो उसका क्या हो गया? संबोधन हो गया। तो यहां पर देखें आप, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको एक विशेष रूल से बनाएंगे और रूल हमारा यह है एड्रेसिंग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग लिखेंगे, संबोधित करते हुए संबोधित करना। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट, तो हो गया एड्रेसिंग द स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या लिखा है? एज, तो हम लिखेंगे एज माई सन है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? हिज सन हो जाएगा, हिज सन। अब तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज सन के बाद क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द टीचर। अब उसके बाद क्या लिखना है? सेड, आप चाहें तो इसे टोल्ड भी लिख सकते हैं सेड। अब इसके बाद सेस नियम जो हमारा है, दैट हमारा कनेक्टिव है, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। आफ्टर कनेक्टिव हमारा क्या आता है? चेंजिंग पर्सन, तो पर्सन में परिवर्तन करेंगे। हमारा यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। द टीचर है तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ हैज और हैव का क्या होता है? तो यहाँ हो जाएगा हैज। टॉट का टॉट ही रहेगा, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा? हिम। अब हर भी हो सकता है, आई टी इट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने यह देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्ड हो जो संबोधन का काम करता हो तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? एड्रेसिंग से बनाएंगे। एक अन्य सेंटेंस को जो है, सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। यहाँ पर जो हिज मदर है यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, जो संबोधन है वह नॉटी बॉय है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एड्रेसिंग, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए हर्षन अपने लड़के को एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय। वह नॉटी बॉय कही किसको? अपने बेटे को, अपने बालक को। तो अपने बालक को शरारती लड़के के रूप में संबोधित करते हुए द मदर सेड, माता ने कही, द मदर सेड, माता ने कही। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। अब उसके बाद यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हर्षन है तो क्या होगा? ही। और हैव का क्या हो जाएगा? हैड बीन फाइटिंग, ही हैड बीन फाइटिंग, और अगेन लिख देंगे। तो इस तरह से अब बन करके कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा है, माय डियर डॉटर सेड सी
आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू का इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। जिनका जो है इनडायरेक्ट सही होगा मैं उनको लाइक करूंगा। स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।